सो गाइज सुबह के 5:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे बर्लिंगटन के पास में। अभी हम लोग हैं, हम हैं राजा है और कमल है और अभी वेट कर रहे हैं यश का। तो यश यहाँ कहीं रहता है, ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा मैं उसकी जगह। तो वेट करते हैं, आ जाए मनुष। और मौसम जो है वो बारिश वाला लग रहा है, तो बारिश भी हो सकती है। और कहाँ जा रहे हैं ये तो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल आए हैं और आगे हम लोग के आगे कमल है और अविनाश, और मेरे पीछे है, पीछे क्या, मेरे पिलियन सीट पे है यश। तो प्रोबेबली अभी हम लोग जा रहे हैं फ्यूल अप करने गाड़ी को, और फ्यूल हम लोग लगभग RTO के आसपास से भरवाएंगे, जैसा कि कमल ने बताया है। तो चलो पहले फ्यूल अप कराते हैं फिर बात करते हैं। तो जनाब रुके हैं अभी हम लोग अमौसी एयरपोर्ट के पास, और कमल भाई को पीनी थी चाय तो हम लोग यहाँ पे रुके और सब यहाँ पे हैं यश सब, तो चाय पीते हैं फिर यार उसके बाद निकलते हैं। अब ये है कि इसके बाद कोई स्टॉप नहीं होगा, डायरेक्ट निकलेंगे हम लोग, पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन। और अभी फिलहाल एक स्टॉप ही है। सो वैसे मैं वॉइस ओवर करता नहीं हूँ, बट आज मैंने सोचा कि कर दूँ। और एक्चुअली हाईवे पे कुछ खास दिखाने को था नहीं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करी जाए और पीछे से वॉइस ओवर किया जाए। तो हाईवे पे हम लोग चल रहे थे और लगभग हम लोग को 1 घंटा लगा यहाँ से कानपुर पहुँचने में, जो अपने आप में एक अच्छी और अलग बात थी हम लोग के लिए, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सो लगभग हम लोग ने 40 किलोमीटर यहाँ पे कर लिए थे और अब हम लोग उन्नाव में थे। सो गाइस उन्नाव क्रॉस कर लिया है और कानपुर थोड़ा ही सा बचा है, और अभी चल रहे हम लोग लगभग स्पीड 70 से 80 के अराउंड, तो पहुँच जाएंगे लगभग 15 मिनट के अंतराल। रास्ता ही राइट है। कानपुर कैंट आ गए थे और हम लोग कानपुर पहुंच गए थे। अभी हम लोग कानपुर के एक ब्रिज में थे और यहां से हम लोग गंगा बैर तरफ पड़ रहे थे। तो लखनऊ से कानपुर अगर हम लोग बात करें तो 1 घंटा और 15 मिनट हम लोग को पूरा लगा अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने तक में। ये इस वजह से भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि सुबह का टाइम था और हम लोग 5 बजे घर से निकले थे, तो उस वजह से हम लोगों को ज़्यादा ट्रैफिक रास्ते में मिला नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी एडवांटेज मिली। तो गाइस अभी हम लोग कानपुर की गलियों में हैं और आगे चल रहा है कमल। अभी गूगल आंटी ने हम लोग को भटका दिया, गूगल आंटी हम लोग से कह रही है कि ट्रेन की पटरी फंसा दो, और एक्चुअल में फंसाने के लिए उसमें ट्रेन की पटरियाँ बनी भी थी, ऐसा नहीं कि गलत लोकेशन से ले जा रही, उनके हिसाब से हम सही जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रेन की पटरी फंसा दो यार, देखा जाएगा। तो फिर बात ये हुई कि अब हम लोग ने प्लान किया कि वापस चलते हैं और ईमानदारी से कार मोड लगाते हैं गूगल का, और कार मोड के भरोसे चलते हैं, बाइक मोड नहीं लगाएंगे, बड़ा बेकार किस्म का मोड है ये बाइक मोड।
देख रहे हैं कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है गूगल मैप हम लोग को। बाइक मोड तभी यूज करिए जब अपने अपने शहर में हो, परदेश में आके कभी बाइक मोड ना यूज करिए। सो गाइस, कानपुर आ गए हम लोग और यार बैटरी ऑलमोस्ट इसकी जाने वाली है, तो पता नहीं कितना रिकॉर्ड कर पाएगा ये। किया तो काफ़ी कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करी बट हो नहीं पाया ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड। और राजा क्या रहा? अच्छा है, बाल खराब हो गए। बाल तो मेरे भी खराब हो गए और यार फ्यूल इकोनॉमी बड़ी ख़राब दे रही है मेरी गाड़ी। जब निकले थे वहाँ से 3 पॉइंट थे, अब सिर्फ 1 पॉइंट दिखा रहा है, तो मे भी मुझे शायद वापसी में डलवाना पड़े। और कमल कमल के साथ एक अलग चीज़ हुई है, ये जो आप देख रहे हैं जो सेल्फी ले रहा है, सेल्फी मैंने ले ली आज है, वो उसकी उसकी गाड़ी में पेट्रोल जो है वो बढ़ रहा है, उल्टा लग रहा है पेट्रोल। 3 पॉइंट हो गया, वो ने खाना लगी हुई, खुदाई कर रही है, कच्चा तेल निकल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, फिर प्रोसेस होने के बाद पेट्रोल बन रहा है, तो गाड़ी में तेल बढ़ेगा ही। और चलो कुछ नज़ारे आपको दिखाते हैं, पीछे क्या है, पीछे कौन सी नदी है राजा, बता दो इस बार कन्फर्म। हाँ नहीं, गंगा ही है बेटा, गंगा ही है ना। तो हेलमेट भी गंदा हो गया है, हेलमेट, गाड़ी, पैंट्स, सब कुछ गंदा हो गया है और काफी कुछ। यहाँ पे कुछ लौंडे फोटो शूट कराते हुए। तो गाइस अब चलते हैं अपने शहर की तरफ, लखनऊ की तरफ। और अभी हम लोग जो हैं शुक्लागंज बाईपास की तरफ से जा रहे हैं। और यहाँ से अब हम लोग लखनऊ की तरफ बढ़ेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते तो वो सीतापुर हाईवे की तरफ कनेक्ट करता उन्नाव होते हुए। सो काफ़ी क्वाइट रोड है और मेन सिटी से बचने के लिए आप ये ले सकते हो, जब भी आप लखनऊ कानपुर आप कर रहे हो बाइक से या कार से, काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। तो चलिए अपने शहर चलते हैं और वहीं पहुँच के बात करेंगे। खत्म करता हूँ यार, और काफी लंबी वीडियो रही और आज ये मेरा सेकंड डे है, तो कल राइड थी और आज मैं शूट कर रहा हूँ इसका एंड पार्ट, क्योंकि यार बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे लखनऊ आते आते, और हम लोग को 10:15 हो गया था, 10:15 हो गए थे आते आते, तो लगभग 5 घंटे हम लोग को पूरा राइड हम लोग ने किया और मेनली राइड ही कर रहे थे, रुके नहीं थे कहीं पे भी हम लोग ज्यादा देर के लिए, इवन 15 मिनट के लिए डेस्टिनेशन पे रुके, फिर उसके बाद फिर वापस राइड करने लगे, तो काफी हेक्टिक हो गया था और रात में भी जल्दी सो गया था। तो अभी बैठा एडिट कर रहा था, मैंने कहा यार फिर एडिट जब पूरा कर लिया तो समझ में आया कि एंड पार्ट तो है ही नहीं, तो चलो एंड पार्ट शूट करते हैं। सो गाइस यार मैं जानता हूँ कि वीडियो और अच्छी हो सकती थी अगर मैं रुक रुक के बनाता, बट टाइम की काफी ज्यादा शॉर्टेज थी यार उस टाइम, क्योंकि बाकी सब भी आज टाइम निकाल के लाए थे, बट 5 घंटे समझ लो आप ना, कि मतलब 5 बजे निकले घर से, 4:30 बजे उठे थे और फिर 10 बज गए ऑलमोस्ट आते आते, तो काफी लेट हो गया था। अब कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जब राइड होगी तो हम लोग 6-7 घंटे का टाइम हो एटलीस्ट, मतलब आराम से जाएं और इतनी ही डिस्टेंस में हम लोग काफी लखनऊ के आसपास जितनी भी प्लेसेस हैं वो सब एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड और साथ में रहना चैनल के, अभी तक बेल नहीं दबाई है, सब्सक्राइब्ड है तो बेल दबा लो, और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। और यश, कमल और अविनाश और मेरी तरफ से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, सी या, एंड यू आर ऑसम, पीस।